देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया है मोड एक्स बाई एक्स, कब, जब एक्स जीरो के बराबर नहीं है, जब एक्स जीरो के बराबर है तो उसका जीरो, अच्छा जब जीरो के बराबर नहीं है यानी कि जीरो से छोटा भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं होने का मतलब ही ना हुआ या तो जीरो से छोटा है या तो जीरो से बड़ा है, तो चलिए जीरो पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो एल एच लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो से छोटा के लिए बात हो रही है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अच्छा एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो से छोटा के लिए हो जाएगा, मोड एक्स बाई एक्स, चलिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एच लिमिट की बात हो रही है, जीरो से छोटा के लिए तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा जैसे कि हम लोग जानते हैं और बटा में एक्स, मॉडुलस फंक्शन निगेटिव हो जाएगा ना जी, जीरो से छोटा के लिए हो रहा है इसलिए, चलिए तो यहाँ माइनस वन आ गया और माइनस वन का जो लिमिट निकालेंगे किसी के भी रेस्पेक्ट में तो वो वही हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का लिमिट वही हो जाता है आर एच लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो से ग्रेटर के लिए हो रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अच्छा जीरो से ग्रेटर के लिए भी यही हो जाएगा मोड एक्स बाई एक्स, तो चूंकि ये जीरो से ग्रेटर के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब आपका एक्स बाई एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, चलिए तो ये वन आ गया और वन का जो लिमिट होगा किसी के भी टेंस में करेंगे तो यहाँ पे आपका वही आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का लिमिट वही हो जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट एल एच लिमिट जो है आर एच लिमिट के बराबर नहीं है, ठीक है, चलिए एल एच लिमिट जो है आर एच लिमिट के बराबर नहीं है इसलिए यहाँ कह सकते हैं अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, ये हमने साबित करके दिखा दिया, समझ गए ना, हमें देखना था चेक करना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, चलिए अगला